हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए बेटर यही है कि आप कॉन्सेप्ट को एक साथ नोट कर लें एक जगह अलग से। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2, सपोज हमें इनकी डायरेक्शन रेशोज गिवन है। लाइन L1 की डायरेक्शन रेशोज है, DRS से लिख सकते हैं हम डायरेक्शन रेशोज को, A1, B1 और C1। और L2 है जो लाइन, उसकी डायरेक्शन रेशोज है A2, B2 और C2। दो लाइंस की हमें अगर डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं जिनकी हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन है। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, इफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। यानी कि दो लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम अगर 0 है तो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी। थर्ड, L1 इज पैरेलल टू L2, दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। यानी कि उनकी डायरेक्शन रेशोज अगर प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप वेक्टर्स में भी कर चुके हैं, क्योंकि ये लाइन है यहां पे और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, वेक्टर ही तो होता है। देखिए कैसे, सपोज हमारे पास ये दो लाइंस हैं L1 और L2, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज यहां पे है पॉइंट P और यहां पे है Q, तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर इनके बीच में एंगल थीटा। सपोज ये A वेक्टर है, ये वेक्टर B, तो आपने किया था वेक्टर्स में दो वेक्टर्स, सपोज वेक्टर A है हमारा A1i प्लस B1j प्लस C1k, तो वेक्टर A की डायरेक्शन रेशोज क्या हुई, A1 B1 C1, वही लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या है, A1 B1 C1। और दूसरा वेक्टर है A2 B2 A2i प्लस B2j प्लस C2k, तो cos थीटा आपने कैसे निकाला था, A वेक्टर डॉट B, मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B, A डॉट B करेंगे तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, वही आ जाएगा सेम। मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड A का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड B का मतलब है सेम स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर किया था आपने। और दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब A डॉट B 0 हो। A डॉट B 0 का मतलब है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अगर 0 हो। या यहां पे भी आप थीटा को 90 पुट कर सकते हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो थीटा 90 पुट किया, कोस 90 0, दिस इंप्लाइज A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, या ये कहें दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, आपने किया था अगर एक वेक्टर, वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो हमारे वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो यहां से हम ए वेक्टर क्या है, A1i प्लस B1j प्लस C1k इक्वल टू लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, लैम्डा A2i प्लस लैम्डा B2j प्लस लैम्डा C2k।
कंपेयरिंग था कोफिशियंट्स आई के साथ, आई का कोफिशियंट इधर क्या है ए वन और इधर क्या है लेमडा ए टू, तो ए वन बाई ए टू किसके इक्वल आ गया लेमडा। सिमिलरली जे का कोफिशियंट कंपेयर करेंगे बी वन किसके इक्वल है लेमडा बी टू, तो बी वन बाई बी टू क्या आ जाएगा लेमडा, और सी वन के सॉरी सी वन इज इक्वल टू लेमडा सी टू, तो सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू तीनों रेशियो क्या होंगी सेम वही है। दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या ये कहें दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर उनकी डायरेक्शन रेशियोस क्या हैं प्रोपोर्शनल हैं। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, दो लाइंस है हमारे पास, पहले हमें डायरेक्शन रेशियोस गिवन थी, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है एल वन एम वन एन वन और दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है एल टू एम टू और एन टू, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एन वन इंटू एन टू, ये फॉर्मूला होगा हमारा कोस थीटा निकालने का। सेकंड, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, इफ थीटा 90 होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, कोस 90 जीरो होता है तो दिस इंप्लाइज एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एन वन इंटू एन टू इज इक्वल टू जीरो, अगर डायरेक्शंस कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम जीरो है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। थर्ड, दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, अगर हमें उनकी डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, इफ एल वन बाई एल टू इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू, इस कॉन्सेप्ट को भी हम इसी से समझ सकते हैं कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल, इसका मतलब अगर थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है तो थीटा हमारा इनके यूनिट वेक्टर्स के बीच में भी एंगल होगा। तो यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया ए के अलोंग ए कैप एल वन आई प्लस एम वन जे प्लस एन वन जे के सॉरी, और बी कैप बी यूनिट वेक्टर एल टू आई प्लस एम टू जे प्लस एन टू के। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का मतलब है एंगल बिटवीन देयर यूनिट वेक्टर्स, कोस थीटा ए कैप डॉट बी कैप मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप। जैसे कि मैंने बताया है किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं स्केलर वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो सिमिलरली ए का बी के साथ डॉट लेंगे ये डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो इसका इसके साथ डॉट लेंगे ए का बी के साथ तो क्या आएगा एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एन वन इंटू एन टू। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लेंगे एल वन की स्क्वायर प्लस एम वन की स्क्वायर प्लस एन वन की स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर की लेंगे एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, और आपको पता है एल की स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर वन होता है, तो ये वन हो गया ये वन हो गया, तो क्या बचा हमारे पास एल वन एल टू प्लस M1 into M2 plus N1 into N2, और दो lines perpendicular कब होंगी, अगर theta 90 होगा cos 90 zero, यानी कि L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 क्या होगा zero, और आपने अगर दो lines parallel का मतलब है unit vectors parallel, यानी कि दो lines parallel होने का मतलब है unit vectors क्या होंगे उनके parallel, और दो यूनिट वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे अगर एक यूनिट वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, सेम जैसे हमने डायरेक्शन रेशियोज में किया था, तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगी उनकी डायरेक्शंस कोसाइंस की रेशियो क्या होगी सेम होगी तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द लाइंस थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, तीन लाइंस की हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस, सेकंड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस और थर्ड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस,
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। शो करना है हमें तीन लाइंस जिनकी डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है कि वो आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट अभी किए थे दो कॉन्सेप्ट, उसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन एक से लेकर तीन तक हैं। पहले हम उन्हीं को करेंगे। तीन लाइंस L1, L2 और L3। L1 की डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास है 12 बाई 13, माइनस 3 बाई 13, माइनस 4 बाई 13। ये L1, M1, L1। और जो सेकंड लाइन है 4 बाई 13, 12 बाई 13, 3 बाई 13, ये हो गया L2, इसको नाम दे दिया M2, N2। और जो थर्ड लाइन है हमारे पास उसकी डायरेक्शन कोसाइंस 3 बाई 13, माइनस 4 बाई 13, 12 बाई 13, इसको मान लिया हमने L3, M3, N3। अभी हमने किया था दो लाइंस जिनकी डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है तो परपेंडिकुलर कब होती है, अगर उनके डायरेक्शंस कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम अगर जीरो है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। यानी कि L1 और L2 परपेंडिकुलर कब होंगी, L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 अगर जीरो होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी फॉर L1 एंड L2। कंसीडर L1 into L2, M1 into M2 plus N1 into N2, तो दिस इज इक्वल टू L1 के हमारा 12 by 13, और L2 है 4 by 13, और M1 minus 3 by 13, और M2 है हमारे पास 12 by 13, N1 है minus 4 by 13 और 3 by 13, तो ये होगा हमारे पास 48 by 169 minus 36 by 169 minus 12 by 169, 36 और 12 48, तो 48 ये हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 48 बाय 169 और माइनस 48 बाय 169, तो क्या आ गया जीरो। यानी कि L1 और L2 जो लाइन है उनकी डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम जीरो आ गया, तो दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब L1 और L3, L1 और L3 को शो करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। अगर L1 और L3 के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। L1 L3 plus M1 M3 plus N1 N3 डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम ले रहे हैं, 12 by 13, 3 by 13 plus minus 3 by 13, और M3 कितना है माइनस 4 बाई 13, N1 है माइनस 4 बाई 13, 12 बाई 13, ये हो गया हमारे पास 36 बाई 169 प्लस 12 बाई 169 माइनस 48 बाई 169, 36 प्लस 12 48 बाई 169 माइनस 48 बाई 169 जीरो आ गया, तो दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। L1 दिखा दिया हमने L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 दिखा दिया हमने L3 पे परपेंडिकुलर है, अब क्या बचता है, L2 एंड L3 आर परपेंडिकुलर, इसको रब कर देते हैं, 4 L2 एंड L3, L2 और L3 के लिए इनकी डायरेक्शंस कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, L2 कितना हमारा, ये था हमारे पास L2 M2 N2 L3 M3 N3, L2 4 by 13 और L3 3 by 13 प्लस M2 12 by 13, M3 minus 4 by 13 और N2 3 by 13 और N3 12 by 13, तो ये हो गया हमारे पास 12 by 169 और minus 48 by 169
प्लस 36 बाई 169, 36 प्लस 12 डिनोमिनेटर सेम है, 48 बाई 169 माइनस 48 बाई 169 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज L2 एंड L3 आर परपेंडिकुलर। पहले हमने शो किया L1 और L2 परपेंडिकुलर है, यहां पे शो कर दिया L1 और L3 परपेंडिकुलर है, और यहां पे शो कर दिया L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, हेंस थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1 2 एंड 3 4 माइनस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। हमें ये शो करना है कि एक लाइन जो पॉइंट से पास करती है, सपोज हमने मान लिया ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है वो परपेंडिकुलर है। किस लाइन पे? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, उस लाइन पे परपेंडिकुलर है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, और ये लाइन हमने मान ली ये सी और डी को ज्वाइन करती है। यानी कि ए भी हमें शो करना है सी डी पे परपेंडिकुलर है, दो लाइंस परपेंडिकुलर, एक लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। आपने किया था x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हम उस लाइन की डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशो? एक्सरसाइज 11.1 में किया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहां पे हम इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं। दो लाइंस जिनकी डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन है परपेंडिकुलर कब होती हैं? यदि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अगर क्या हो? 0। तो हम मान लिया हमें गिवन पॉइंट्स हैं, लेट गिवन पॉइंट्स बी पीटीएस, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, गिवन पॉइंट्स बी ए 1 माइनस 1 2 बी सी, इसको दे दिया नाम हमने एंड डी। तो हमें शो करना है ए बी सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शंस रेशोज निकालेंगे। डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए बी आर, तो डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगे? x2 माइनस ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1, तो दिस इंप्लाइज ये हो गया 2 5 माइनस 4। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ सी डी, सी डी के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो ये हो गया हमारे पास 3 2 4। ये डायरेक्शन रेशो ये हो गया हमारे पास a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी इफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4। इनके डायरेक्शंस रेशो के प्रोडक्ट का सम लेना है आपने, मल्टीप्लाई करना है 2 को 3 से, 5 को 2 से, माइनस 4 को 4 से, और एड कर देना है। 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 10 माइनस 16, 16 माइनस 16 0। दिस इंप्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। डायरेक्शंस रेशो के प्रोडक्ट का सम 0 आ गया, तो इसलिए हमारी लाइंस यानी कि ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? सी डी पे परपेंडिकुलर है। नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points minus 1, minus 2, 1 and 1, 2, 5. सेम क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड किया था, वहां पे दो लाइंस को हमें परपेंडिकुलर शो करना था और यहां पे एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल दिखानी है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है? अगर दो लाइंस
जिनकी हमें डायरेक्शंस रेशियोज गिवन है, अगर डायरेक्शंस रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, यानी कि उनकी रेशियो सेम हो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। तो डायरेक्शन रेशियोज इन पॉइंट्स को हम ए बी सी डी का नाम दे देते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स बी ए 478, बी 234, सी -1 -2 1 एंड डी 125। शो क्या करना है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल है। टू शो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे ए बी के। x2 - x1 - 2 y2 - y1 z2 - z1 और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD के डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1 1 - 1 - 1 2 y2 - y1 4 z2 - z1 4। AB is parallel to CD if कब होगी, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ये हमारा A1 B1 C1 दूसरी लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2। दिस इंप्लाइज -2 by 2 इज इक्वल टू -4 by 4 इज इक्वल टू -4 by 4। तो दिस इंप्लाइज -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 विच इज ट्रू। तीनों रेशियो क्या है, सेम है। तो दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, यानी कि 3D। 3D के अंदर यहां पे हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लास 11th में भी आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, बट 2D के अंदर, यानी कि XY प्लेन के अंदर। यहां पे हमारे पास दो केस हैं जिनमें हम लाइन की इक्वेशन यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। अ लाइन इन स्पेस कैन यूनिकली डिटरमाइन इफ, देखिए केस फर्स्ट, अगर हमें यह पता है कि लाइन एक दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन हमें गिवन है, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट से पास कर रही है लाइन एंड हैज गिवन डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन हमें गिवन है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, लाइन पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट से अगर लाइन पास करती है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स देखिए फर्स्ट केस, यानी कि लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। लाइन एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है और जिसकी डायरेक्शन हमें गिवन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज एक लाइन एल है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ये लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है। सपोज पॉइंट है ए, जो कि गिवन है हमें, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, और इस लाइन एल की डायरेक्शन हमें गिवन है। डायरेक्शन गिवन है, यहां पे ये लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है, यानी कि बी वेक्टर हमें एल लाइन की डायरेक्शन को बता रहा है। लाइन एल की क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो लाइन एल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन
यहां पे हम यानी क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कि एक दिए हुए पॉइंट से लाइन पास कर रही है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। जैसे कि मैंने बताया है जो ये वेक्टर पैरेलल है इस लाइन एल की, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, देखिए कैसे हम इक्वेशन निकाल लेंगे। सपोज ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट ए जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लिया, यानी कि ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के। सपोज पी कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कहीं पे भी ले सकते हैं आप इस लाइन के ऊपर, और जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड है, और इस पॉइंट पी का हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया आर वेक्टर, यानी कि ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। एक्सरसाइज 11.3 में हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे भी हम आर वेक्टर का यूज करेंगे। जहां पे भी आर वेक्टर आता है इसका मतलब लाइन प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड, जहां पे भी लेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन हो या एनी पॉइंट ऑन द प्लेन हो, कोई भी पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड, और आर वेक्टर उस पॉइंट का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। इन ट्राइंगल ओ ए पी बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, यानी कि वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, किसी भी दो साइड को ऐड करो सेम ऑर्डर में, ओ ए प्लस ए पी वेक्टर की फॉर्म में, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं लेनी है, इन दोनों को जोड़ा बट अपोजिट ऑर्डर किस तरीके से, ओपी वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज यहां से हम एपी वेक्टर निकालेंगे तो ये आ गया ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज एपी वेक्टर ओपी वेक्टर क्या हमारा आर वेक्टर माइनस ओए वेक्टर है ए वेक्टर। अब एपी देखिए, एपी वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, यानी कि एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इंप्लाइज ए को हम इधर लेके आएंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये लाइन एल की इक्वेशन आ गई, जहां पे लैम्डा क्या है हमारा कोई भी कांस्टेंट, ए वेक्टर क्या है, ध्यान रखना आप इन सिंबल्स का, ए वेक्टर क्या है, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, आर वेक्टर क्या है कि लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म, आर वेक्टर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, पी का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा, तो आर वेक्टर को हम पुट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा, बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई हो जाएगा, इसी तरह जे की टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे आई का कोफिशियंट जे का कोफिशियंट और के का कोफिशियंट, तो एक्स हमारा हो जाएगा एक्स वन प्लस लैम्डा ए, तो x माइनस एक्स वन बाई ए इजल टू लेमडा, सिमिलरली y इजल टू वाई वन प्लस लेमडा बी, तो y माइनस वाई वन बाई बी इजल टू भी लेमडा आ जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स वन बाई ए y माइनस वाई वन बाई बी भी लेमडा आ जाएगा,
और जेड माइनस जेड वन बाई सी भी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड जेड वन कार्टेशियन फॉर्म में, हुज डायरेक्शन रेशोज आर ए बी सी। लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या है? ए बी सी। देखिए दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ए बी सी डायरेक्शन रेशो तो बी वेक्टर के हैं, बट अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ए बी सी इस लाइन एल की भी डायरेक्शन रेशो होगी। तो हम कह सकते हैं लाइन पॉइंट किससे पास करती है? एक्स वन वाई वन जेड वन से, और लाइन एल के ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशो। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट वन टू थ्री। देखिए यहां पे हमें गिवन पॉइंट है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, वन टू थ्री, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है, जो कि कॉन्सेप्ट हमने अभी किया था। आप इसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा आपको कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है वन टू थ्री से, और इस वेक्टर के पैरेलल है। आपको पता है जिस पॉइंट से पास करती है लाइन उसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया था? ए वेक्टर, यानी कि ये ए वेक्टर बनेगा हमारा। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनता है? ए वेक्टर। और जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है वो क्या बनता है? बी वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, और आर वेक्टर क्या होता है? पॉइंट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिख देना आपने? इक्वेशन ऑफ लाइन ए सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है हमारा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर है हमारा थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बोला नहीं हुआ किस फॉर्म में आपने निकालनी है? एक ही फॉर्म निकाल सकते हो। अगर कार्टेशियन बोला जाता है आपके पास आपको, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम? दो तरीके हैं आपके पास, या तो आर वेक्टर की आप जैसे हमने डेरिवेशन की थी पहले, आर वेक्टर को पुट कर दें आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डेरिवेशन कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। अदरवाइज अब आपको अगर डायरेक्ट इक्वेशन याद है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी? एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो होते हैं हमारे एक्स वन वाई वन जेड वन। तो किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है? वन टू थ्री। तो ये हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन। और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होते हैं वो होते हैं हमारे ए बी सी, यानी कि लाइन के डायरेक्शन रेशो। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कहें या इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कहें जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है हमारे? 3, 2, माइनस 2। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन निकाल सकते हैं x माइनस 1 बाई 3 y माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू z माइनस 3 बाई माइनस 2। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन निकालनी हमने लाइन की कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट से पास कर रही है, गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसका मतलब हमें ए वेक्टर गिवन है, एंड इज इन द डायरेक्शन, और जो लाइन हमें इक्वेशन निकालनी है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि हमें लाइन की डायरेक्शन दे रखी है, यानी कि लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये बनेगा हमारा बी वेक्टर, ये बनेगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारा?
टू आई माइनस जे प्लस फोर के। जैसे अगर फिगर ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है वैसे, तो यहां पे ये लाइन है हमारी, ये पॉइंट है, पॉइंट किससे पास कर रही होगी, टू माइनस वन फोर से। अगर इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ओ ए वैक्टर, तो क्या बनेगा, टू आई माइनस जे प्लस फोर के, इट इज इन द डायरेक्शन, और ये लाइन इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हो गया हमारा बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे मैक्सिमम टू मार्क्स के आते हैं, एक दो नंबर के आते हैं बस। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टू आई माइनस जे प्लस फोर के और प्लस लैम्डा बी वेक्टर हमारे पास आई प्लस टू जे माइनस के। जैसे कि मैंने बताया है कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं आई जे के कोफिशिएंट्स और आर वेक्टर को आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर सकते हैं। जहां पे भी आर वेक्टर आएगा, आगे हम प्लेन के बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 में, तो वहां पे भी हमारा आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर एक्स वाई जेड उसका पोजिशन वैक्टर, और P का पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर डायरेक्ट याद है कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। लाइन किस पॉइंट से पास करती है, टू माइनस वन फोर, तो एक्स माइनस टू, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसकी डायरेक्शन में, यानी कि इसकी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, ए हमारा 1 और बी है हमारा वाई माइनस वाई 1, पॉइंट हो गया हमारा ये, तो प्लस हो गया, और बी है हमारा 2 जेड माइनस जेड 1 4 बाई सी, सी है माइनस 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट माइनस टू फोर माइनस फाइव। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो एक गिवन पॉइंट से पास करती है, यानी कि हो गया हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई, और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की आप किसी गिवन पॉइंट से पास करती हुई कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए ऐसे निकालते हैं। X1, Y1, Z1 क्या है कि लाइन जिस पॉइंट से पास करती है, और ABC क्या है हमारी डायरेक्शन रेशो जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। अब डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे हम, हमें गिवन है जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या है, 3, 5, 6, और दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब 3, 5, 6 उस लाइन की भी डायरेक्शन रेशो होगी, यानी कि ए बी सी हमारे क्या होंगे, 3, 5, 6। पॉइंट हो गया हमारे पास माइनस टू फोर माइनस फाइव, और डायरेक्शन रेशोस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर, यानी कि ए 3, बी 5, सी 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी, तो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स वन वाई वन और जेड वन, तो x माइनस एक्स वन यानी कि प्लस टू हो जाएगा, और a है हमारा 3, y माइनस वाई वन 4 बाई बी है हमारा 5, z माइनस जेड वन प्लस 5 हो गया ये, और c हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हमारे पास लाइन की, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हमें उसको निकालना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो आपको कार्टेशियन बनानी आनी चाहिए, और वेक्टर दे रखी है कार्टेशियन, और कार्टेशियन दे रखी है तो वेक्टर आपको आनी चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे, लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 5 बाई 3
वाई प्लस फोर बाई सेवन जेड माइनस सिक्स बाई टू, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस फाइव बाई थ्री वाई माइनस ओ माइनस फोर बाई सेवन इक्वल टू जेड माइनस सिक्स बाई टू। आपको पता है लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ए वेक्टर क्या होता है लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि एक्स वन वाई वन जेड वन से लाइन हमारी पास कर रही है उससे बनता है ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्या होता है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और जो बी वेक्टर होता है ये ए बी सी दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन रेशो होती है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहां पे लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, एक्स वन हमारा फाइव है वाई वन माइनस फोर है और जेड वन हमारा सिक्स है, तो ए वेक्टर यहां पे बना फाइव आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के। ध्यान रखना जेड माइनस जेड वन जेड ये फॉर्मूले का ही होता है, तो ये हो गया हमारा जेड वन जेड वन सिक्स, और बी वेक्टर होता है जो नीचे के नंबर्स होते हैं उसका पोजीशन वेक्टर थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस टू के। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। इस टाइप के क्वेश्चन वन मार्क्स में आते हैं, डायरेक्ट आपने इक्वेशन लिख देनी है ए वेक्टर हो गया हमारा फाइव आई प्लस माइनस फोर जे प्लस सिक्स के और प्लस थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस टू के, और साथ में लैम्डा भी है भाई। जो ये ए वेक्टर होता है अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो आपको देखिए कैसे समझना है कार्टेशियन में, ये बनेंगे हमारे एक्स वन वाई वन जेड वन, लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर, और जो लैम्डा के साथ ये वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये बनेंगे ए बी सी, नीचे वाले ए बी सी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं कि हमें ये गिवन है कि लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2, तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकाल लेंगे, तो लाइन की इक्वेशन होती है हमारी x minus x1 by x2 minus x1 is equal to, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म को याद कर लेते हैं तो इजी भी है, तो इसी से काम चल जाएगा, वेक्टर की हमें जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए वेक्टर में भी करवा देते हैं हम, सपोज एक लाइन है ए बी जो पॉइंट ए और बी से पास कर रही है एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, सपोज ए का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का ए वेक्टर है और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा बी वेक्टर, सपोज पी कोई भी पॉइंट है लाइन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। फिगर इसलिए बनाई कि आपको पता लग जाए एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, PDS का मतलब पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिस दो गिवन पॉइंट से लाइन पास करती है उसके पोजिशन वेक्टर क्या है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी पहले पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ए है दूसरे का बी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, R वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आपको यह याद रखना है कोई भी लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करती है उनके पोजीशन वेक्टर ए एंड बी हैं, तो
तो उसकी इक्वेशन ये होती है वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 दो गिवन पॉइंट्स हैं तो उस लाइन की इक्वेशन हमारी ये होगी। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन। आपने वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट 5 -2 -3, यानी कि लाइन दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो अभी हमने किया था। ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 0, तो x1 y1 z1, x1 हो गया 0, y1 हो गया 0 और z1 क्या हो गया? 0। और x2 यानी कि ये हो गया 0 0 0, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन लाइन की क्या होती है, क्या फॉर्म होता है? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। यही था हमारे पास, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। तो दिस इंप्लाइज x by 5 is equal to y by minus 2 और z by 3। ये आ गए हमारे कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में दो तरीके हैं आपके पास। वेक्टर फॉर्म में क्या थी हमारी इक्वेशन? r वेक्टर is equal to a वेक्टर plus lambda b minus a। a वेक्टर क्या था? लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर। और b वेक्टर भी क्या था? लाइन जिस पॉइंट से पास करती है दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो a का पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, 0i प्लस 0j प्लस 0k और प्लस लैम्डा b माइनस a, b सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, 5i माइनस 2j प्लस 3k माइनस, माइनस कर देंगे 0i तो 0 ही रहेगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। एक तो ये तरीका आपके पास, इसमें से इसको माइनस कर लें, ठीक है। अगर इन केस आप भूल जाते हैं ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का या आपको याद नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है? वेक्टर फॉर्म। इसी इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आप कैसे चेंज करेंगे इसको मैं रख कर दूं। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती थी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। स्टार्टिंग में याद करें ये पॉइंट, यहां पे x माइनस x1 0 लिख सकता हूं मैं 5, y माइनस 0 बाई माइनस 2, z माइनस 0 बाई 3, जो पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था। ये लाइन किस किस पॉइंट से पास कर रही है? 0 0 0, ये हो गया हमारा a वेक्टर। और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है? 5 माइनस 2 3, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर हमारा बन गया 0i प्लस 0j प्लस लैम्डा b वेक्टर, b नीचे वाला, यानी कि जो हमने पहले किया था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 हुज डायरेक्शंस रेशियोज इज a b c, कार्टेशियन फॉर्म लगाने के बाद वो टाइप लगा दो आपकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स। सेम क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स गिवन है, ये हो गया हमारा x1 y1 z1, x2 y2 z2। लाइन की इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे? इक्वेशन x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये आपको याद रखना है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x माइनस x1 हो गया x2 माइनस x1, y माइनस y1 प्लस 2 हो जाएगा
डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन माइनस टू प्लस टू, जेड माइनस जेड वन प्लस फाइव, जेड टू माइनस जेड वन सिक्स माइनस प्लस हो गया फाइव. तो दिस इंप्लाइज x माइनस थ्री बाई जीरो वाई प्लस टू बाई जीरो इज इक्वल टू जेड प्लस फाइव बाई इलेवन. ये हो गई हमारी कार्टिजन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म. अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर वाला, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a, लाइन की इक्वेशन ये होती है, दो पॉइंट से पास करती है वेक्टर फॉर्म में. a वेक्टर यहां पे क्या बनेगा हमारा 3i माइनस 2j, इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा a वेक्टर माइनस 5k, और b वेक्टर क्या बनेगा 3i माइनस 2j प्लस 6k. तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसी से हम वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं. अब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है 3, उससे कंपेयर करें x माइनस एक्स वन बाई ए से, y माइनस वाई वन बाई बी से, z माइनस जेड वन बाई सी से. ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है 3 माइनस टू और माइनस फाइव, जेड, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे ना, जेड माइनस ऑफ माइनस फाइव, ठीक है. तो जेड वन हो गया हमारा माइनस फाइव, वाई माइनस वाई वन, वाई वन हो गया माइनस टू और एक्स वन हो गया 3. तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर 3i माइनस 2j माइनस 5k, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे 4 5 6, ठीक है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर. बी नीचे वाला वेक्टर बनता है, ए वेक्टर ऊपर वाला बनता है, ऊपर से पॉइंट्स नीचे से 0i प्लस 0k प्लस 11k. यहां पे ये फॉर्म लगाइए भाई, अगर आप उस फॉर्म को भूल जाए r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a, पहले वाले पॉइंट, ये तो आपको चेंज करना आता ही है, पहले क्वेश्चन में किया है आपने 4 5 6 7 में, कि अगर हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. तो दिस इंप्लाइज r वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा 11k.